इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको उदयपुर से जुड़ी हुई दे देते हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, तो राजस्थान में फिर एफआईआर के लिए अब आईजी रतनलाल ने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात आईजी ने एफआईआर को लेकर ट्वीट किया है। बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए ट्वीट किया गया है। उदयपुर से जुड़ी खबर आपको बताएंगे, उससे पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं। कूचामान पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट के बाद हरकत में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो राजस्थान में एफआईआर के लिए आईजी को ट्वीट करना पड़ गया, तो आईजी ने ट्वीट किया, इसके बाद से अब इस पर एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात है आईजी। बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आईजी को ट्वीट करना पड़ गया है। कूचामान पुलिस नहीं कर रही थी एफआईआर दर्ज, जिसके बाद से आईजी ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, तो ट्वीट के बाद से अब पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद एफआईआर लिखी गई। तो राजस्थान में एफआईआर के लिए आईजी को ट्वीट करना पड़ गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात है आईजी रतनलाल, उन्होंने ट्वीट किया है। बाइक चोरी की घटना थी, बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें ट्वीट करना पड़ा। कूचामान पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, जिसके बाद से जब आईजी ने ट्वीट कर दिया तो इसके बाद हरकत में आई पुलिस और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। राजस्थान में एफआईआर के लिए आईजी को ट्वीट करना पड़ गया। रतनलाल बताए जा रहे हैं आईजी हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिलहाल तैनात किए गए हैं। तो बाइक चोरी की घटना के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस, जिसके बाद से आईजी ने परेशान होकर ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद से कूचामान की पुलिस हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान में एफआईआर कराना चाहते थे आईजी, लेकिन एफआईआर नहीं की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिलहाल आईजी रतनलाल तैनात है। बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने ट्वीट किया है। तो आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है और इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जब एफआईआर लिखने के लिए अपील की गई तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से मजबूरन आईजी को यानी रतनलाल आईजी को ट्वीट करना पड़ गया बाइक चोरी की घटना को लेकर। और उसके बाद से बाइक चोरी की घटना को लेकर जब आईजी की तरफ से ट्वीट किया गया तो कूचामान पुलिस हरकत में आई और फिर एफआईआर दर्ज की गई। अधिक जानकारी के साथ दिनेश डांगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब आखिर क्या वो वजह रही थी जिस वजह से आईजी को ट्वीट करना पड़ गया बाइक चोरी की घटना को लेकर के, एफआईआर आखिर पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही थी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात है आईजी रतनलाल डांगे और आप देख सकते हो कि आमजन के अलग थानों में किस तरह दर्ज कराने की हो सकती है जब आईजी के भांजे की बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और उनके फिर परेशान वो जो एप्लीकेशन है एफआईआर के लिए पहले दी जाती है उसको ट्विटर पर पब्लिकली पोस्ट करना का, उसके बाद राजस्थान पुलिस और नागौर पुलिस हरकत में आई और उनके ट्विटर पर इस तरह एप्लीकेशन डालने के बाद राजस्थान पुलिस ने वापस जवाब दिया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो आईजी रतनलाल डांगे ने कहा 24 घंटे हो गए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, और एफआईआर दर्ज करने के बाद बाकायदा उन्होंने एफआईआर के नंबर मांगे और उन्हें ट्विटर पर नागौर पुलिस ने एफआईआर नंबर भी दे दिए, साथ ही आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो चोरी की गई बाइक है उसको बरामद कर लेंगे। लेकिन ये घटना बताती है कि आईजी के खास रिश्तेदार यानी सगा भांजे की एफआईआर जो है 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हो रही थी, ऐसे में आईजी को दखल करना पड़ा और ट्विटर पर एप्लीकेशन डाली, तब जाकर नागौर पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और जल्द अब बाइक बरामद का आश्वासन उन्हें दिया गया।
ठीक है, बहुत धन्यवाद दिनेश आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुचामन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करी थी, जिसके लिए आईजी को दखलअंदाजी करना पड़ा और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।